सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में 20.9 का अपडेट आ चुका है, अगर आप इसको अपडेट नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाके इसको अपडेट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप किसी भी बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते टाइम जब आप किसी बच्चे का हाइट ज़्यादा चढ़ा देती हैं तो उसको आप लोग कैसे ठीक करेंगे, आइए इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि जो बच्चे का हाइट ज़्यादा चढ़ गया है उसको हम लोग कम कैसे करेंगे या उसको सुधार कैसे करेंगे। तो इस 20.9 के अपडेट के बाद अब आप लोग इसको इजीली सुधार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.9 का जो अपडेट है इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी बच्चे का हाइट गड़बड़ हो गया है उसको आप लोग आसानी से सुधार कर सकते हैं। चलिए एक बच्चे का हाइट सुधार के आपको दिखाते हैं आपके सामने। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की कैटेगरी दिखाई दे रही होगी। इनमें से आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे का जो हाइट गड़बड़ हो चुका है उसको आसानी से सुधार कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो ऑप्शन को ऐड किया गया है वो आप लोगों का 30 जून तक ही वैलिड रहेगा, यानी 30 जून के बाद इस ऑप्शन को हो सकता है कि हटा दिया जाए। इससे पहले आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जिन बच्चों का हाइट वगैरह गड़बड़ चढ़ गया है उसको आप लोग सुधार जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम किसी एक बच्चे की कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग दिखाएगा कि आपने किस तारीख को यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि इस बच्चे का जो हाइट है वो 92 है, तो हम इसको 91 करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए, इसके पहले जो अपडेट था उसमें आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं दिया गया था कि आप लोग बच्चे का जो हाइट है उसको घटा के आप ऐड कर सकते हैं। बट इस अपडेट के बाद आप लोग यहाँ पे जिस भी बच्चे का हाइट गड़बड़ हो चुका है उसको आप लोग घटा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर 92 है तो हम यहाँ पर 91 इस बच्चे का हाइट डाल रहे हैं। उसके बाद जो वज़न है यहाँ पे हम सेम ही वज़न रखेंगे और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो भी हमने हाइट और वेट डाला है वो सही है या नहीं। तो सब चीज़ सही होने के बाद आपको क्या करना है कि सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, थोड़ा देर वेट करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली जो है कि हमारा यहाँ पे हाइट चेंज हो चुका है। अब आप किसी भी बच्चे का जो हाइट वगैरह चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये 20.9 के अपडेट के बाद ही आप लोग ये कर पाएंगे। तो आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें 20.9 का जो अपडेट है उसको प्ले स्टोर से जाके अपडेट ज़रूर कर लें। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।